हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड सदाकत अली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तराखंड राज्य के रुड़की शहर में। जी हाँ, वो रुड़की शहर जो मिनी लंदन के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज, और ये मिनी लंदन के नाम से मशहूर है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं और अब आपको रुड़की शहर का मिनी लंदन ब्रिज दिखाते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. दोस्तों, मैं खड़ा हूँ ब्रिज के ऊपर और ये देखिए मेरे पीछे गंगा नहर बह रही है, और इस और उधर जो पहले पुल बना हुआ था वो बहुत ही पुराना हो चुका है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक वो उधर जो पुल बना हुआ है, पहले वो पुल बना हुआ था, उसके बाद ये ब्रिज बना जो मिनी लंदन के नाम से मशहूर है। पहले इसे को तारों से बनाया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इसे तारों से ना बनाकर नॉर्मल तरीके से बना गया, और ये बहुत ही अच्छा और सुंदर ब्रिज है। ये देखिए ब्रिज, जब मैं इस पर चलता हूँ जैसे लक्ष्मण झूला हिलता है, उसी की तरज पर ये भी ऐसे ही हिलता है। और यहाँ पर शाम के वक्त ये जो लाइटें देख रहे हैं आप, जब लाइटें इसके ब्रिज के ऊपर पड़ती है तो इसका दृश्य बहुत ही सुंदर और देखने लायक होता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। और दोस्तों, मैं बैठा हूँ गंगा की पैड़ी पर, और ये देखें मेरे पीछे है बब्बर शेर, जो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं। और यहाँ पर दो बब्बर शेर है, एक ये है यहाँ पर और एक ये है इधर, ये देखिए दिख रहा है आपको। और यदि मैं इसके रात की बात करूँ तो रात को देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि रात के वक्त इस पर लाइट की रोशनी पड़ती है और ये अपने और आकर्षित करता है। ये बहुत ही सुंदर है और ये लंदन ब्रिज जैसा ही दिखता है, जो मिनी लंदन के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये देखिए जो मेरे पीछे ये पुल है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना पुल हो चुका है। और ये देखिए, ये गंगा नहर बह रही है जो हरिद्वार से आ रही है, और यहाँ पर दोपहर के वक्त और शाम के वक्त काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये ब्रिज है
ये बहुत ही सुंदर शाम को टाइम बहुत ही सुंदर लगता है और यहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए आते हैं। ये देखिए, दोस्तों रुड़की शहर में जो ये ब्रिज पड़ता है उससे थोड़ा आगे आने के बाद एक आपको पार्क मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे है सोलानी पार्क और ये बहुत ही सुंदर पार्क है। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और अब मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूं पार्क के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो नहरों के बीच में बना हुआ पार्क है। ये देखिए मेरे पीछे ये एक नहर इधर से आ रही है और दूसरी नहर ये इधर से आ रही है और ये पार्क दोनों नहरों के बीच में है और ये बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। ज़्यादातर यहाँ आपको स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स मिलेंगे जो दोपहर के टाइम यहाँ पर आकर आराम करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अभी अभी आप देखें मेरे पीछे ये काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और ये अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों पार्क के अंदर लास्ट में आने के बाद एक मंदिर है और ये देखिए ये मेरे पीछे मंदिर है। ऊपर ये माता की मूर्ति लगी हुई है और नीचे ये शिवलिंग है और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अक्सर लोग सुबह शाम पूजा के लिए आते हैं और ये देखिए